हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है प्लेन स्केल। और आज के इस टॉपिक में हम प्लेन स्केल की प्रॉब्लम नंबर 3 करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट आ स्केल ऑफ RF 1:400। ठीक है, टू शो मीटर्स एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर अप टू 60 मीटर। ठीक है, इसमें दो यूनिट नहीं शो करनी है, बल्कि एक ही यूनिट सिर्फ शो करनी है, मीटर। ठीक है, तो एक ही यूनिट को कैसे शो करेंगे प्लेन स्केल से, इसमें वो सीखने को मिलेगा इसमें, इस टॉप इस क्वेश्चन में। ठीक है, मीटर तक। और मेजर अ डिस्टेंस 51 मीटर दिखाना है हमें, 47 मीटर दिखाना है और 3 मीटर दिखाना है, ये तीन चीजें दिखानी है। ठीक है, तो अब RF हमारा कितना था, 1:400 हो गया, क्योंकि ये इसका रेशियो में दिया था यहाँ पे। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर 60 मीटर था, तो हमारा ये हो गया, तो हमारा लेंथ ऑफ स्केल कितना होता है हमारा, वो होता है RF इंटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर। ठीक है, तो यहां पे मैं मैक्स लिख देता हूं सिर्फ इसकी जगह पे, पूरे की जगह पे। ठीक है, इतना होता है हमारा लेंथ ऑफ स्केल। और ये जो लेंथ ऑफ स्केल होगा, हमें ये सेंटीमीटर में निकालना होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। RF कितना है हमारा, 1:400 हो गया, इंटू में 60 मीटर है हमारा। ठीक है, 60 मीटर हो गया। अब हमें सेंटीमीटर में निकालना है, तो 60 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0 से 2 जीरो गए, और 4 एकम 4 और 4 5 20 हो गया, तो हमारा कितना है लेंथ सेंटीमीटर में, 15 सेंटीमीटर का आया हमारा, जो हमारा स्केल होगा, ऐसे स्केल ड्रॉ होगा, उसकी यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी आई, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 15 सेंटीमीटर को हम 60 मीटर को हम 15 सेंटीमीटर में कैसे ड्रॉ करेंगे वो दिखाते हैं। ठीक है, और यही हमारा क्वेश्चन था। तो ड्रॉ करते हैं अपना प्लेन स्केल। तो प्लेन स्केल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले जो हमारी ये लेंथ आई है सेंटीमीटर में 15 सेंटीमीटर, एक लाइन ड्रॉ करते हैं 15 सेंटीमीटर की ड्राफ्टर की हेल्प से। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ किया हमने, इसको नाम दे देता हूं ए, और ये बी हो गया। ठीक है, ए बी हो गया। अब क्या करेंगे, इसको दोनों साइड यहां और यहां ए और बी से ऊपर की तरफ एक्सटेंड कर देंगे 2-2 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसे 1-1 सेंटीमीटर भी करें जब भी ठीक होगा। तो मैं इसे एक्सपेंड कर देता हूं, तो ये ऐसे ड्रॉ हो गया। अब यहां से लेके यहां तक की हमारी लेंथ कितनी है, ये हमारी लेंथ है 15 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो अब ये जो हमारी लेंथ है स्केल की, इसको हम 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आप जहां पे भी हर प्रॉब्लम में देखेंगे कि इसे हम 6 इक्वल पार्ट में ही डिवाइड करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स में ही उससे कम या उससे ज्यादा में डिवाइड करते हैं, लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड माना जाता है वो 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना ही अच्छा होता है स्केल ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो हम इसको स्केल को जो 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसको हम स्केल की हेल्प से नहीं या ड्राफ्टर की हेल्प से नहीं, इसको हम ज्योमेट्रिकली डिवाइड करेंगे। उसके लिए हम एक एक्यूट एंगल सेट कर लेंगे। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कितना भी ले सकते हैं हम। ठीक है, एंगल सेट करके ए पॉइंट पे रखेंगे ड्राफ्टर को, और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे ही। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम कंपास लेंगे, कंपास में कोई सी भी कितनी भी आर्क हम खोलेंगे, और ए पॉइंट पे रख के इस लाइन पे जो हमने एक्यूट एंगल लिया है इस पे ड्रॉ करेंगे, एक पे एक आर्क ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे, फिर उसके अगली पे ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही हम इसको 3 ड्रॉ कर ली 3 और ड्रॉ करके 6 आर्क ड्रॉ कर देते हैं इस पे। तो हमने ये आर्क ड्रॉ कर दी। ठीक है, 6 आर्क। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में ही। अब जो हमारा इसका लास्ट पॉइंट है, इसको बी से मिलाते हैं ड्राफ्टर की हेल्प से। कैसे मिलाएंगे,
हम ड्राफ्टर को इस पे सेट करेंगे और इस वाले पॉइंट पे होता हुआ, ठीक है, और इसका नट टाइट कर देंगे, ठीक है। फिर इस पे एक लाइन खींच देंगे 2H पेंसिल से, फिर उसके पैरेलल ही दूसरे वाले पॉइंट से जो आर कटी उससे बाद में उसको भी ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। उसके पैरेलल ही टाइट करें, ड्रॉ करेंगे, इसीलिए हमने नट को ड्रॉ कर लिया था, मतलब टाइट कर लिया था, ठीक है। अब इसके बाद ऐसे आगे ड्रॉ कर देंगे और ऐसे यहां तक ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इसको हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब इसमें हम देखेंगे कि हमने इसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, और जो इसके 6 इक्वल पार्ट हैं, इसका एक एक पार्ट हमारा 10 मीटर के इक्वल है, क्योंकि हमें यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ हमें 60 मीटर मेजर करनी है। तो एक जो बॉक्स बनेगा इसमें अभी वो 10 मीटर का होगा। तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इसी लाइन पे जहां पे हमारा ये कटा है, ठीक है। और हमारा जो ये बॉक्स यहां से यहां तक की डिस्टेंस है ये 10 मीटर की एक की, ठीक है। ऐसे ही मैं सबको ड्रॉ कर देता हूं। तो ऐसे ही मैंने सबको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब हमारा ये हो गया कि यहां से लेके यहां तक ये 60 मीटर तो हो गया, ठीक है। और एक बॉक्स जो है यहां से लेके यहां तक ये 10 मीटर का है, लेकिन हमें हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे 47 मीटर मेजर करना है। तो लेकिन ये तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 होगा, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये 0 मीटर है, ये 1 मीटर 10 मीटर है, ये 20 मीटर है, ये 30 मीटर है, ये 40 मीटर है, और ये 50 मीटर है, ठीक है। इसको जीरो इसलिए नाम दिया क्योंकि हमें यहाँ पे इसको फर्दर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, हमारे 47 मीटर को दिखाने के लिए, 3 मीटर को, 51 मीटर को दिखाने के लिए, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ 10, 20, 30, 40, 50 को दिखा सकते हैं, या ठीक है। इसलिए अब इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्दर जो हमारा ये ड्राफ्टर है इसको एक्यूट एंगल पे सेट करते हैं किसी भी, और ए पॉइंट पे रखते हैं, और ए पॉइंट से होता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 10 इक्वल पार्ट्स में हम इसको अब ज्योमेट्रिकली नहीं डिवाइड करेंगे क्योंकि ये बहुत छोटा है, इसको मेजर करने के लिए अगर हम करेंगे कंपास से तो ठीक नहीं आएगा हमारा मेजरमेंट, इसलिए हम इसको ड्राफ्टर की हेल्प से ही डिवाइड कर लेते हैं एक कॉन्स्टेंट गैप पे, ठीक है। 10 इक्वल पार्ट्स में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। अब जो हमारा ये मिला है इसको, जो लास्ट वाला पॉइंट है इसको इससे मिलाते हैं हम, ठीक है। तो हमने ड्राफ्टर को सेट किया और इसके एंड वाले पॉइंट पे रख के और ओ से मिला दिया, ठीक है, जीरो से। फिर इसके सब इसके पैरेलल ड्रॉ कर देता हूं मैं, जो जो हमने यहाँ पे डिवाइड किया उससे, ठीक है। तो इसको मिला दिया। अब जैसे हमने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, अब इसमें भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ड्राफ्टर को हम इनिशियल पॉइंट पे लेके आएंगे, जीरो पे, मतलब सेट करेंगे दोबारा से, और जो हमने इसको लेंथ ऊपर ड्रॉ किए इसको मेजर करेंगे और इसके हाफ पे मार्क करेंगे। फिर इसके जो हाफ पे हमने ये मार्क किया है, ये वाला पॉइंट, ये वाला जो आप देख रहे हैं, इसके भी हम हाफ को मार्क करेंगे, ठीक है। अब जो हमने मार्क किया दोनों पॉइंट, इस पे एक लाइट पेंसिल ड्रॉ करेंगे, लाइट पेंसिल ड्रॉ करेंगे 2H से एक लाइन, फिर ऊपर वाली से भी जो हमने हाफ किया था इसको ड्रॉ कर दिया। फिर अब इसके बाद क्या करना है, इसको गिनेंगे, यहां से जीरो हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। जो पांचवा पॉइंट है इसका, उसको ऊपर तक बढ़ाएंगे हाफ तक, बाकी सबको यहां तक ऐसे बढ़ा देंगे, फिर इसको यहां ऐसे इतना इतना बढ़ा देना सब, बाकी सबको। तो मैं बढ़ाता हूं, तो हमने बाकियों को भी ऐसे ही ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ को हम टोटल को दिखाएंगे, ठीक है। इसको इस पॉइंट से टच नहीं करेंगे, इसे 3 mm या 5 mm नीचे लेंगे और फिर इस पर प्रोजेक्शन लेंगे, ठीक है, ऐसे, और यहां से भी इसका प्रोजेक्शन लेंगे, ठीक है, टच बिना टच करे कर दिया यहां तक, और इस पॉइंट पे ऐसे लाइन खींचेंगे
और इस पे एरो ड्रॉ करके, ठीक है, एरो आप अपना 6:6 रेशियो में ड्रॉ करना, ठीक है। इसको दिखा देंगे, हमारी इसकी टोटल हाइट कितनी थी सेंटीमीटर में, 15 सेंटीमीटर थी, लेकिन सेंटीमीटर यूनिट इसमें नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसको ऐसे ही दिखा देंगे, फिर इस पे भी ऊपर ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है, और इस साइड से भी ड्रॉ करेंगे ऊपर, ठीक है। इसमें गैप बना के ही ड्रॉ करने जैसे मैंने किया है, टच नहीं करना। फिर यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और सेम ऐसा एरो बना देते हैं। एरो बनाने के बाद इसको 60 मीटर, जो हमारी मेन डाइमेंशनिंग है, जितना हमने एक्सकेल में दिखाया वो दिखा देंगे, जिसको हमें दिखाना है, जिस यूनिट को, और उसको उस यूनिट को जरूर लिखना, और जिस यूनिट में दिखाना है उसको नहीं लिखना, क्योंकि हमने यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लिखा है, क्योंकि सेंटीमीटर में दिखा रहे हैं मीटर को, ठीक है। ये होता है समझने की बात। तो यहाँ पे जो इस साइड होता है, इस स्केल में इस साइड जो होता है, लेफ्ट साइड छोटी यूनिट दिखाते हैं और राइट साइड बड़ी यूनिट, लेकिन इसमें एक ही यूनिट है, तो लेफ्ट साइड भी हम इसमें मीटर लिखेंगे और राइट साइड भी मीटर लिखेंगे, ठीक है, और बीच में RF लिखेंगे जितना है हमारा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैपिटल लेटर में ही लिखना है, और मैं कैपिटल लेटर में ही लिख रहा हूँ, जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही आपको एग्जाम में बनाना है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे लिखना है कैपिटल लेटर में। फिर इसके बाद अब इसमें हम जो हमें यूनिट हमें शो करनी है मीटर वाली, सेंटीमीटर में, वो शो करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या शो करना है, 51 मीटर, ठीक है। तो 51 मीटर कहाँ से शो होगा, 50 से यहाँ से पोजिशन लेंगे और 51 फर्स्ट पॉइंट ये है, तो यहाँ तक, ठीक है। तो कैसे लेंगे, इससे 3 में 5 में ऊपर लेंगे और इस पॉइंट से यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे और एरो बना के 51 लिख देंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 51 मीटर शो कर दिया। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या शो करना है, 47 मीटर। तो 47 मीटर कहाँ शो करेंगे, इसको 40 से एक लाइन लेंगे, ऐसे ड्रॉ कर दिया 40 से, फिर 47 ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे 5 हो गया, 5 मीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, 5 मीटर है, 6, 7, तो 7वें पॉइंट से इसका पोजीशन लेंगे 2 मीटर ऊपर से एक स्केल के हाइट से, दो मतलब 3 mm 5 mm, और फिर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसमें एरो बना के शो कर देंगे 47 मीटर। तो मैंने यहाँ पे इसे 47 मीटर शो कर दिया। अब इसके बाद लास्ट वाली जो हमारी यूनिट है, क्या दिखानी है, डाइमेंशनिंग, 3 मीटर दिखाना है। तो 3 मीटर कैसे दिखाएंगे, एक इसके जीरो पे हम ड्रॉ करेंगे उससे 2 mm ऊपर, ठीक है, और 1, 2, 3 और 3 mm के पास से होता हुआ, ठीक है, इसको ड्रॉ किया और इस पे एरो ड्रॉ करके इसको 3 मीटर दिखा देंगे, ठीक है। मेरा एरो ठीक नहीं बन रहा है, आप इसको ठीक से बनाना, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 था प्लेन स्केल का, जो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।